वेलकम स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे रिगार्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर डिवाइस। सो पोटेंशियोमीटर के जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बात किया था रिगार्डिंग कंपेयरिंग EMF से, तो वहाँ आपने देखा था दो सेल हमने यूज़ किए थे डैनियल और लैकलैंड से, और उनके हिसाब से हमने E1 E2 के हिसाब से L1 L2 निकाला था। यहाँ आप देख सकते हैं मेन सर्किट वही है आपका, ये पॉइंट को आप ए या पी माने, इसको बी या क्यू माने, तो एक एंड ऑफ द वायर से आपका चला गया है बैटरी एलिमिनेटर वाया एक की, देन एमीटर रियोस्टेट वापस से घूम के कंप्लीट हो गया दूसरे एंड में। तो ये तो मेन सर्किट सेम है जैसा आपने पिछले कंपेयरिंग EMF में देखा था। जो दूसरा आपका जो पार्ट है वहाँ कुछ चेंजेस हैं, वहाँ पे आप सर्किट डायग्राम स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपका जो सेल लगा है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है वो एक लैकलैंडे सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड 1.48 है, इट वॉज चेक्ड यूजिंग ए मल्टीमीटर। देन ये सेल के साथ रेजिस्टेंस बॉक्स से होता हुआ आपने गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, और दूसरा एंड है आपका फ्री जो है जॉकी, जिसे आप नल पॉइंट खोजेंगे। नाउ आपका सर्किट डायग्राम से आप देख सकते हैं कि इसी ई के साथ या लैकलैंडे सेल के साथ एक आर भी जुड़ा हुआ है वाया ए की, तो वो आर आप पहले पार्ट में जब L1 निकालना होगा तब आप वो आर को यूज़ नहीं करेंगे। उससे क्या होगा कि ये जो सेल है वो उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से नहीं जुड़ा होगा, तो जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका EMF रहेगा, ठीक है, क्योंकि तब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ा नहीं हुआ है। तो EMF के टर्म्स में हम नल पॉइंट निकालेंगे जिसको हम L1 कहेंगे, सो वो हो जाएगा E = kL1, ओके, उस हिसाब से हो जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट में इसी में हम इसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे और फिर नल पॉइंट निकालेंगे, तब आपका उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा, तब ये एक क्लोज सर्किट हो जाएगा और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका टर्मिनल पोटेंशियल V हो जाएगा, तो उससे आपको L2 मिलेगा, वो हो जाएगा V = kL2। चलिए सर्किट ऑन करके हम देखते हैं, स्विच ऑन है, बैटरी एलिमिनेटर को भी ऑन कर देते हैं, की आपका लगा है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसमें से निकाला है रेजिस्टेंस बॉक्स में से। अब चेक कर लेते हैं नल पॉइंट को, एक एंड पे जाते हैं आपका एक तरफ चला गया, एक एंड में जाने में आपका चला गया एक एंड पे, देखिए दूसरे एंड में जाते हैं दूसरे एंड में आपका चला गया दूसरे साइड, बस सर्किट ओके है। चेक करते हैं अब नल पॉइंट कहाँ पर है, एक एक बार पहला तो चेक कर चुके हैं, दूसरा लेफ्ट, तीसरा अगेन लेफ्ट, चौथा राइट, मतलब देखिए चौथे में राइट चला जा रहा है आप देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है, और तीसरे में लेफ्ट जा रहा है। इसका मतलब आपका जो इस तीसरे में आपका जो लेफ्ट जा रहा है ये, ठीक है, ठीक है, ये लेफ्ट गया और चौथे में राइट जा रहा है, मतलब इन्हीं के बीच में कहीं पर नल पॉइंट है, तो इसे हमें देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, तीसरा वायर और चौथा वायर टच करते जाते जाते। सो अगर हम ऐसे चौथे वायर में यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है, चौथे वायर के ऐसे बीच में भी देखें तो ये ध्यान दीजिएगा लेफ्ट से राइट के तरफ होना चाहिए, तो अभी भी लेफ्ट ये आपका यहाँ पर देखिए ये आपका चौथा वायर, दिस इज द फोर्थ वायर, ये अभी भी लेफ्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सेंसिटिव होता है, कुछ आप दूसरा वायर टच कर देंगे तो दूसरी तरफ चले जाता है, तो बहुत बचा के करना। अगेन मैं ट्राई करता हूँ, हल्का सा देखिए ये राइट के तरफ जा रहा, ठीक है, अगेन ये अभी भी लेफ्ट है, देखिए ये अभी भी लेफ्ट है, चौथे वायर में हम अराउंड उधर से आप लेफ्ट साइड से 40 के करीब हैं, तो अभी भी ये लेफ्ट में है, जीरो से देखिए लेफ्ट में, तो इधर बढ़ते हैं, ये ट्रांजिशन कर रहा है राइट की तरफ। सो यहाँ पे आसपास देखिए
ये यहाँ के आसपास ही नल पॉइंट दे रहा है। देखिए ये नल पॉइंट दे रहा है अराउंड आपका 34, ठीक है 34 के करीब। ओके सो यहाँ 34 के करीब ये नल पॉइंट देता है, तो ये फोर्थ वायर में दे रहा है, फोर्थ वायर, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये चौथा वायर आपका 34 में यहाँ से है। 34 देखिए यहाँ से कनेक्ट 34 है, ये ऐसे 34, पर ये वायर घूमा कैसे है देखिए, ये तीसरे के बाद ऐसे घूम के ये चौथा गया है, तो हमें 34 नहीं लेना होगा, जो पिछले वीडियो में बात किया था 100 माइनस 34, ठीक है 100 माइनस 34 दैट इज 66, तो हम ये 66 लेना पड़ेगा फोर्थ वायर में, 34 नहीं लेंगे, क्योंकि फोर्थ वायर आपका कैसे घूमा है आप देखिए, थर्ड यहाँ ख़त्म है, यहाँ 3 लिखा है, ये फोर्थ ऐसे आया है। सो ये हो गया आपका यहाँ पर 66। सो पहला के लिए 100 200 300 और ये हो गया 66। सो 366 ये हो गया आपका L1, तो आपका हो जाएगा E इज्कवल टू के L1 या E इज्कवल टू के इंटू 366। ये तो हो गया आपका जो सेल को बिना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के टच, बिना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कनेक्ट किए। नाउ देखिए अब हमने क्या कर दिया, अब हमने पहला पार्ट के लिए निकाल लिया था आपका, ठीक है, नल पॉइंट जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से नहीं कनेक्टेड था, वो हमारा L1 आ गया। अब L2 निकालते हैं, ठीक है, L2 निकाल के हम आपका देखते हैं कि वो कितना आता है, पर अब सर्किट में चेंज क्या हुआ वो ध्यान से देखिए। ये सेल के साथ हमने अब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देखिए जोड़ दिया है, ठीक है, देखिए सेल के साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये जोड़ा हुआ है जो पहले पार्ट में नहीं जाता, तो सर्किट डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए वो R जुड़ा हुआ है, तो अब इस R को लेके मतलब अब इस सेल से करंट इस R के थ्रू फ्लो करेगा, तो अब नल पॉइंट कहाँ जाना चाहिए देखते हैं। लॉजिकली क्योंकि EMF बड़ा होता है और V आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्मिनल पोटेंशियल कम होता है, तो नल पॉइंट हमें कम मिलना चाहिए, पहले बार L1 से L2 आपका छोटा होना चाहिए, देखते हैं। सो अगेन सर्किट देखिए आपका, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, सो ठीक है, ये हो गया आपका सर्किट हो गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप, इट इज़ गोइंग टू लेफ्ट, ओके, एंड द अदर एंड पे गोइंग टू राइट, सो सर्किट हो गया। नल पॉइंट देखते हैं, पहला वायर पे तो गया है लेफ्ट, ठीक है, पहले वायर में देखिए आपका लेफ्ट जा रहा है, दूसरे में देखते हैं, ये दूसरे में ही राइट चला गया, जो ट्रांजिशन इससे पहले जब EMF कर रहे थे या इससे पहले वाला ले रहे थे तब तीसरे और चौथे के बीच में हो रहा था, देखिए ये पहले दूसरे में ही ये चेंज कर गया, मतलब जो नल पॉइंट है वो पहले से दूसरे के बीच में है, ठीक है, आप देख सकते हैं अब क्लियरली कि जब पहला में हमने टच कराया तो लेफ्ट जा रहा है, जैसे ही दूसरा में टच कराए देखिए राइट जा रहा है, मतलब पहले से दूसरे में है। खोजते हैं हम कहाँ है, दूसरे एंड में आते हैं, वायर पहले वायर के दूसरे एंड में आ गए, ओके, यहाँ से टच करते हैं, यहाँ से चेक करते जाते हैं दूसरे वायर, ये अभी देखिए ये आपका राइट की तरफ जा रहा है, आपका जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो देखिए, पहले वायर में ये फर्स्ट वायर है, अभी आपका ये लेफ्ट है, अभी भी लेफ्ट है, शुरुआत में भी लेफ्ट था अभी भी लेफ्ट है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अभी भी लेफ्ट है, थोड़ा और आगे दूसरे वायर में आते हैं, देखिए राइट जा चुका है, ठीक है, तो नल पॉइंट आपका एकदम एक्सट्रीम एंड में आपका यहाँ है, देखिए ट्रांजिशन आपको दिख रहा है लेफ्ट ये राइट, तो ये आपका यहाँ पर पहले वायर देखिए फर्स्ट वायर के एकदम एंड यहाँ पर नल पॉइंट है। सो ये है आपका 98।
सो 98 सेंटीमीटर में ही आपको मिल गया, ठीक है, L2। सो मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आप रेजिस्टेंस लगाएंगे आपका जो नल पॉइंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा बहुत पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ भी हो रहा है। सो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होने से आपका जो L2 है वो आपका कम पड़ जाता है, ठीक है। सो यहाँ से भी क्लियरली आप देख सकते हैं EMF में आपको L1 आपको बड़ा मिला और V के लिए आपको EMF कम मिला। तो आप E by V निकाल दीजिए, दैट विल बी L1 by L2, ओके, L1 by L2 मिल गया। और अपने फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपके R वाला फॉर्मूला में, ओके, दैट इज स्मॉल R इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, जो आपका फॉर्मूला है इसमें आप पुट कर दीजिए, स्मॉल R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 by L2 into R, इसे आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो ये हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। थैंक यू वेरी मच।